निहारिका जरा एक मिनट, कुछ बात करनी है। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? स्वीटर, हमारी शादी हो रही है। लेकिन तुमसे मैंने कहा था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। नताशा? नताशा? अब नताशा का इन सब बातों से क्या वास्ता? नताशा अब भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे नजर आता है, जानती हूँ सब कुछ मैं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में भी अभी उसके लिए जगह बाकी है। क्या बकवास कर रही हो तुम निहारिका? नताशा और मेरे बीच अब कुछ नहीं है, अंडरस्टूड? फाइन, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, 10 दिन में तुम्हारी शादी हो ही रही है। चल। पूर्णिमा की रात को शादी? क्या समझते हैं सब, शादी की तारीख पक्की कर दी, मजाक बना कर रखा हुआ है। मैं कहूं भी तो किससे कहूं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो तुम राजीव? शराब पी रहे हो? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें सारी रात शूटिंग करनी है। लो मुझे तो ये। इट्स एनफ राजीव, वैसे भी तुम काफी लेट हो चुके हो, प्लीज। हाँ ठीक है जानता हूं मैं। और सुनो, मैंने अली को बुलाया था मुझसे मिलने के लिए, उसे कहना कि फिल्म सिटी पहुंच जाए, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। कदम से कदम बढ़ाए जा मेरे यार, कितना डरावना इलाका है ये। फोन लगाता हूं। हेलो। हेलो राका जी, अली बोल रहा हूं मैं। आप लोगों की शूटिंग कहां पर हो रही है? हाँ अली भाई, हम लोग यहाँ फिल्म सिटी में टेंपल के पास शूट कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं एक्चुअली फिल्म सिटी के गेट पर हूँ। अरे तब तो बहुत करीब आ गए आप, वहाँ से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट का रास्ता? फिर तो मैं पैदल आता हूँ, मगर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ओह नो, वेल इन दैट केस आपको 10 मिनट तो लग जाएंगे। खैर थोड़ा संभाल के आइएगा, क्योंकि जंगल का रास्ता है, शेर वगैरह भी होते हैं, कुछ लोगों ने देखे भी हैं शेर यहाँ पर, इसलिए थोड़ा होशियार रहिएगा, जस्ट बी केयरफुल। डरा दिया? क्या बात है, आज 9 बजे की शिफ्ट में राजीव खंडेलवाल 10 बजे ही आ गए। हाँ? लगता है आज मेरा दिन अच्छा है। हेलो राजीव। हाय। आज जल्दी पैकअप कर लेना, मुझे कुछ काम है। मैडम आ गई? नहीं सर, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। व्हाट, अभी तक नहीं आई? 10 बज गए हैं, अब मैं उनके लिए यहां बैठकर इंतजार करूंगा? एनीवेज मैं वैन में सो रहा हूं, आएंगी तो उठा देना। ओके सर। एक दिन जल्दी के आ गए, इनके तो तेवर ही बदल गए। अरे सुनो, जाओ जाकर प्रिया जी को फोन लगाओ, वरना आज भी मेरी शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। ओके सर।
भाई साहब ये राजीव खंडेलवाल किधर मिलेगा? वो मेकअप मैन में। राजीव बाबर शेर है। शेर कहाँ है? शेर कान में शेर है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बयान में शेर कहां से आ सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाके देखिए। चलिए देखते हैं, चलिए कम ऑन। बता दो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी। ये केस जितना आसान है उतना पेचीदा भी। क्या मतलब इंस्पेक्टर? मतलब ये कि मौका वारदात पे जो हमें सबूत मिले हैं उससे ये बात तो तय है कि कत्ल किसी जानवर ने किया है और वो भी किसी शेर ने। हाँ तो इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है इंस्पेक्टर? कंफ्यूजन वाली बात ये है कि हमें शेर के कदमों के निशान गार्डन में आते हुए मिले पर जाते हुए नहीं मिले। क्या इंस्पेक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ है मिस्टर करण, ऐसे ही हुआ है। बल्कि एक जगह पर तो हमें शेर के कदमों के निशान मिले पर वो भी आधे रास्ते तक, उसके बाद तो इंसान के कदमों के निशान थे। अब ये समझ में नहीं आता कि शेर को जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हमें बहुत ही होशियार रहना है इंस्पेक्टर, बहुत ही होशियार। ये शेर का मामला है, आप जानते हैं जब एक शेर अपना नाखून खो बैठता है तो उसका क्या मतलब होता है? नहीं मुझे तो नहीं मालूम। मैं बताता हूं, जब एक शेर अपना नाखून खो बैठता है तो वो शिकार करने की हालत में नहीं होता और तब इंस्पेक्टर वो एक ऐसे शिकार की तलाश में निकलता है जिसे वो बहुत ही आसानी से मार सके, जैसे कि इंसान। और तब इंस्पेक्टर तब वो शेर आदमखोर शेर बन जाता है। मैंने सुना था मुझे देख के लड़कों की सांसें तेज हो जाती हैं, पर तुमने तो हद ही कर दी राजीव। शराब, तुम मुझसे हमेशा इतने नाराज क्यों रहते हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखो पिया, मेरा सर पहले से ही दुख रहा है, उसे और मत दुखाओ। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, मैं दबा दूं? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हाउ आर्गन। और बताओ मुक्ता, क्या चल रहा है? मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है? कोई स्क्रिप्ट बिकी या नहीं? नहीं, और मुझे नहीं लगता मैं राइटिंग में करियर बना पाऊंगी। क्यों? तुम तो इस लाइन में बहुत खुश थी ना, और तुमने किसी फिल्म के लिए कहानी भी लिखी थी, उसका क्या हुआ?
कुछ नहीं, जब तक राजीव था तब तक सब ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो कलम से स्याही निकल गई हो। अब बता यार, तूने मुझे इतनी दूर क्या बताने के लिए बुलाया? अली वो दरअसल कैसे कहूं, पता नहीं क्या सोचेगा वो। हेलो, क्या हुआ, कहां खो गया? अली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे अलावा शायद कोई है भी नहीं जो मुझे समझ सके। यार तूने मुझे ये बोलने के लिए इस फिल्म सिटी जंगल में बुलाया? नहीं अली, बैठ। क्या राजीव यार? अरे बैठ ना यार प्लीज। अली, मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात बहुत अजीब लगेगी तुम्हें। राजीव जी, सर वो प्रिया मैडम आ गई हैं। तो मैं क्या करूं, वहां दौड़कर उनको हेलो बोलो? देख नहीं सकते हम बात कर रहे हैं? सर वो शॉर्ट रेडी है ना आपका, इसलिए। कोई बात नहीं राजीव, तुम शॉर्ट देकर आओ, बात फिर करें। लेकिन अली मेरी बात बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं यार, शूटिंग भी जरूरी है। चलो आ रहे हैं। चलो डाडा एक मिनट। हाँ अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेरी शादी पे ना कुछ हंगामा होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। निहारिका ओबेरॉय, ये शादी सुधीर मंजेश्वर ओबेरॉय की बेटी की है, हंगामा ही हंगामा होगा। हाँ डाडा, बट मैं कह रही हूँ कुछ अलग ना, इट्स लाइक लेट्स हैव अ थीम। थीम मतलब? थीम मतलब डाडा लाइक अ जंगल, मतलब एवरीथिंग वैट, टार्जन, आदिवासी, फायर, वैक्ट आउट, एवरीथिंग क्रेजी। मैं समझ गया, तुम्हारी सारी बातें समझ गया मैं। बस मेरे ऊपर छोड़ दो, अब देखो मैं कितना फैंटास्टिक इंतजाम करता हूं। ओके, हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। टेक केयर। गॉड, थीम पार्टी। रोलिंग एंड एक्शन। सोनिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सोनिया मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। राजीव मेरा हाथ छोड़ो, राजीव छोड़ो मुझे। कट 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 राजीव। अरे क्या हुआ यार? देखो अपने ये नखरे बंद करो, एक तो देर से आती हो और फिर तो रोज हम तुम्हारा इंतजार करते हैं तो कुछ नहीं। एक दिन तुमने इंतजार कर ही लिया तो क्या? एंड प्लीज नो नीड टू टच मी, समझे? अच्छा, वहां वैन में तो बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी और यहाँ सबके सामने सती सावित्री बन रही हो, अपना नाटक बंद करो, समझे? लेट्स स्टार्ट वर्किंग। हाँ ओके रेडी, चलो टेक करेंगे। अरे वो आदमी कौन फील्ड में बैठा है यार, उसको बाहर करो। सर आपको थोड़ा उस तरफ बैठना पड़ेगा, आप फ्रेम में बैठे हैं। सॉरी सर, थोड़ा और उस तरफ, सर थोड़ा और। यार क्या तुम फिल्म सिटी के बाहर बैठाओगे? नहीं सर, बस थोड़ा और। सॉरी सर, थैंक यू सर। या अल्लाह, कहाँ जंगल में बिठा दिया। सोनिया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सोनिया सोनिया मेरी बात सुनो। देखो तुम सिर्फ मेरी हो और God, cut it. राजीव छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो यार? राजीव छोड़ दो उसे, राजीव। ये आदमी पागल हो गया, मैं ये शूटिंग नहीं करूंगी। हे
हाय राजीव। कितना अंधेरा है यहाँ, इससे अच्छा तो मैं जाके वैन में ही बैठता। नहीं, वैन में नहीं बैठूंगा। सच नहीं हो, यह सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। चले जाओ यहां से, गो अभी जाओ। दिमाग भी कितना काल्पनिक है, एक चीज जो इसमें बैठ जाती है वो बार 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 दिखती है। कुछ करना पड़ेगा इसका। उफो, पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। एक चीज ठीक से नहीं रखता, कितना कचरा किया हुआ इसने। पता नहीं कब बड़ा होगा ये लड़का। कचरा मोटे बाल और इतने सारे। अरे बहु रानी, तुम यहाँ पे हो और मैं पूरे घर में थारे को ढूंढते फिर रही हूँ और छोटू के कमरे बैठी हो तुम यहाँ के। अम्मा ये देखो क्या है। तू भी है ना, बस बावड़ी है। अरे बाल ही तो है। बाल ही है अम्मा, लेकिन ये राजीव के बाल नहीं है, ये बहुत मोटे है। किसके बाल है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहु रानी, तू भी है ना, बस जब भी छोटू के कमरे में आती है ना उसकी जासूसी करने लग जाती है। कैसी है तू भी। लेकिन अम्मा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जानती है ना तेरा बेटा कितना बड़ा हीरो है, स्टार है। उसको पता नहीं क्या क्या भेष बदलने पड़ते होंगे। कभी सफेद बाल लगाओ, कभी काले बाल लगाओ, कभी भूरे बाल लगाओ, है कुछ भी निकलेगा सामान से, बस तू सोचने बैठ जाएगी। चल आज तू झुकते कमरे में जाके काम कर, मैं इधर साफ सफाई कर लेती हूँ। चल चल जा। ओ नहीं तो मेरे छोटू की चीजों को आगे चेक करती है इधर। निशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम जर्नलिस्ट का तो काम ही यही है, खबरें छानना। वेल, तुम्हें यहाँ कौन सी खबर मिलने वाली है? वेल, जो अभी तुम्हारे और पिया के बीच में हुआ, मुझे तो बहुत ही सनसनीखेज खबर लगी। क्या? तुम इसे सनसनीखेज कहती हो? मुफ्त की पब्लिसिटी चाहिए उस लड़की को, और तुम जैसी जर्नलिस्ट की वजह से उसे ऐसी पब्लिसिटी मिल भी जाती है।
Come on, राजीव, इतना चिढ़ते क्यों हो तुम उससे? निशी, तुम मुझसे मिलने आई हो या मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? Well, अगर दोनों ही काम एक साथ हो जाए तो I don't mind. तो ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों का मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, No comments. ओके मिस्टर राजीव, आपके इस छोटे से इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब मेरे और पिया के बारे में 4 पेजेस का आर्टिकल लिखूंगी. इन जैसे जर्नलिस्ट की वजह से दूसरे जर्नलिस्ट का नाम खराब होता है. Don't worry, it'll be fine. मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ की लाइब्रेरी में इतनी पुरानी किताब मिल गई है मुझे. कहते हैं 200 साल पुरानी किताब है. 700 साल पुरानी कहानी. एक राजा था, पांडे. या हाँ इंस्पेक्टर पांडे, बोलिए. दरअसल मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि ये शेर वाली बात आप अभी किसी से ना कहें. हाँ इंस्पेक्टर, आप फिक्र मत करिए. आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो, शहर में अफरा तफरी मच जाए. हाँ इंस्पेक्टर, मैं समझता हूँ. और वैसे भी जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती या फिर हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता, ये बात हमारे बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा है. गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी. बस इंस्पेक्टर, आप मुझे सिर्फ 2 दिनों का वक्त दे दीजिए. मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आपके सभी सवालों के जवाब आपको लाके दे दूंगा. ओके, टेक केयर, बाय. बाय बाय. शंकर तुम घर जाओ, गाड़ी मैं ले जाऊंगा. कब से देख रहा हूं तू इतना टेंस्ड है, बात क्या है? एक्चुअली अली, तू शादी को लेकर टेंस्ड है? निहारिका के साथ झगड़ा हुआ? नहीं अली, निहारिका के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ. तो फिर बात क्या है यार? मैं पूर्णिमा के दिन शादी नहीं करना चाहता. राजीव, पूर्णिमा का दिन और तेरी शादी, इसका क्या संबंध है? अली है, देख सवाल मत कर. मेरे लिए ये काम करेगा या नहीं देखा ली, कुछ भी कर, उस पंडित को खरीद ले, उसे पैसे दे, लेकिन शादी की डेट को पोस्टपोन करवा ले प्लीज. भीमा, भीमा, भीमा! क्या बात है रे, क्या शोर मचा रहे हो? तू कौन हो भात सुनी खा? कौन हो? दो ही लोगों को शेर ने मार गिराया है. कहा कहा बात कर रहे हो? ये कहा हो गया रे? ये का मतलब हम जो सुन रहे हो सच निकला? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक उस शहरी लोगों में आतंक फैलाएगा. लेकिन हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए भीमा. मैं तो कहता हूँ शहर जाकर हमें उसे खत्म कर देना चाहिए. अरे नहीं, उस शहरी बाबू को मारने से वो आत्मा थोड़ी मर जाएगा. हमको उस शहर की दहशत से बचने के लिए उस शहरी बाबू का शरीर में से वो आत्मा को निकालना होगा. तुम तो कहते थे कि शुक्ल पक्ष के दिनों में यानी अमावस्या से लेकर पूरम के 15 दिनों तक वो बहुत ही खतरनाक होगा. हाँ, ये बगत शुक्ल पक्ष ही तो चल रहा है और ये बगत उस शहरी बाबू का शरीर में खिंचाव चल रहा होगा.
और वो निकलेगा शिकार ढूंढने के लिए। बहुत बड़ा आदमी बन गया ना तू, बहुत बड़ा। समझता क्या अपने आप को तू? तू अपनी मनमानी करेगा और सब लोग सुनते रहेंगे। हाँ अब अली मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है क्या हो रहा है। तेरी जो फेम है, तेरी सक्सेस, तेरे इस माथे में घुस गई है और कुछ नहीं। पहले तूने उस बेचारी नताशा को धोखा दिया और अब तेरी शादी निहारिका के साथ हो रही है तो तुझे उसमें भी आना कानी हो रही। क्या तकलीफ है तुझे उसमें? मुझे कोई तकलीफ नहीं अली, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि शादी की तारीख पोस्टपोन हो जाए बस। मगर उसका कोई रीजन तो होगा, कोई वजह। राजीव, राजीव क्या हुआ? अली गाड़ी से बाहर निकल। क्या बात कर रहा है? अली गाड़ी से बाहर निकल। राजीव क्या बोल रहा है तू? राजीव हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार करने के, कृष्ण पक्ष का इंतजार। पूनम के 15 दिनों तक वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, वही सही वक्त होगा हम लोगों को कुछ करने का। लेकिन तब तक तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जाने जा चुकी होगी, कितने लोग उस दरिंदे का शिकार हो चुके होंगे। अरे नहीं सुखिया, ऐसा नहीं है। अरे अमावस से लेकर पूर्णिमा तक वो अर्ध जानवर का रूप धारण करेगा, मतलब आधा शेर और आधा इंसान। रूह के अंदर का इंसान उसको ये सब करने से बार बार रोकेगा, उसको इंसानियत का एहसास दिखाएगा। और पूनम की रात को क्या तब भी वो है? नहीं, पूनम की रात को वो पूरी तरह शेर बन चुका होगा और उसको इंसानियत का एहसास नहीं होगा। तब वो पूरा शेर बनकर शिकार पर निकलेगा और लोगों में दहशत फैलाएगा और उस शेर की दहशत को कोनो रोक नहीं पाएगा। कोनो रोक नहीं पाएगा रे, उस शहर की दहशत को कौन रोक नहीं पाएगा। ये क्या मजाक है राजीव, हद होती है यार। का कुछ करना ही पड़ेगा। दिमाग खराब कर रखा, चैन से सोने भी नहीं देती है। अली, 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 माय गॉड, अली अली आंखें खोलो अली।
राजीव अली अली राजीव मेरे पास मत आना तुम अली तुम गलत समझ रहे हो मेरे पास मत आना राजीव अली तुम मेरी बात तो सुनो अली बात तो सुनो यहां तो पैकअप हो चुका है हो सकता है राजीव अब तक यहीं पे हो एक्सक्यूज मी यस भाई साहब राजीव यहाँ शूटिंग कर रहे थे अभी हैं सर उनका पैकअप हो गया चले गए क्या या वो चले गए 10-15 मिनट हो गए कहाँ ढूंढूं उसे अली अली मेरी बात सुनो अली अली तुम कहाँ चले गए अली अली पता नहीं कहाँ चला गया अली ये तो राजीव की गाड़ी है इतनी रात को सुनसान सड़क पे गाड़ी पार्क करके राजीव कहां जा सकता है यहां तो सिर्फ जंगल है क्या हो गया अली मेरी बात सुनो अली मुझसे दूर जा अली अली मेरी बात सुनो अली अली तो क्या हो गया अली होश में आओ होश में आओ इतने दिनों से मैं यही बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ और इसलिए पूर्णिमा की रात को मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि पूर्णिमा की रात को मैं पूरी तरह से शेर बन जाऊंगा और उस दिन मुझे कोई नहीं रोक सकता समझे कोई नहीं अरे नहीं सरकार आप समझ नहीं रहे आपके दोस्त छापित हो चुके हैं क्या हाँ सरकार आपके दोस्त के शरीर पर कुछ शेर की आत्मा ने कब्जा कर लिया है सरकार इसका मतलब भीमा ने ठीक कहा था जब हम रमतम गौर के जंगल में शिकार करने गए थे तो तुम्हारे शरीर में शेर की आत्मा घुस गई थी हाँ अली ये एकदम सच है